Ladies and gentlemen, please put your hands together. Professor Dr. Chaudhry Abdul Rahman. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया आसिफ साहब, आपने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर ली। मैं सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमाना ने ग्रामी का शुक्रिया अदा करूँगा, और शुक्रिया अदा करने के बाद इस टीम को जिसने ये सख्त गर्मी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज की और कोविड जैसे चैलेंज को उन्होंने ओवरकम किया, उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरा ख्याल है वो सब तालियों के मुस्तहिक हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नर सर्वे साहब का, जो मेरे बड़े भाई हैं, और मोहतरमा बेगम गवर्नर साहिबा का, जो आज तशरीफ़ लाई, जिन्हें हम इज्जत और मोहब्बत से बाजी कहते हैं, और गवर्नर हाउस की सारी रौनकें मेरा ख्याल है जो हैं वो बेगम परवीन सरवे साहिबा की वजह से हैं, जो पाक जो इंग्लैंड में अपना कारोबार, अपने बच्चे, सारी चीज़ें छोड़ के आई, और जब यहाँ उनसे पूछा गया कि आप क्यों आई, तो उन्होंने दो चीज़ें बताई कि मैं हेल्थ में काम करना चाहती हूँ और मैं एजुकेशन में काम करना चाहती हूँ। आज उन्होंने ये दावा सच कर दिखाया। जब हम सारे गर्मी से परेशान हैं, बेगम साहब इत्मीनान से बैठी हैं, और जो मुझे पता चला है वो 30 साल में ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आईपीए करा रहा है, 30 साल। मेरा अपना थीसिस यूनिवर्सिटी टीचर्स और परफॉर्मेंस पे था, और उस थीसिस लिखते वक्त जो मैंने ऑब्जर्व किया या देखा या सीखा वो ये था कि कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता अगर वो नॉलेज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो उसकी यूनिवर्सिटियों की हालत देखें कि वो किस सतह पे खड़ी हैं। यूनिवर्सिटियां सिर्फ डिग्री देने का नाम नहीं है, नॉलेज डिसिमिनेट करने का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी का मतलब वो है जो नॉलेज प्रोड्यूस करे, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, जो उन गैप्स को स्टडी करे और उन गैप्स के सोल्यूशन पेश करे। अफसोस हमारी यूनिवर्सिटियाँ, आपने देखा कि 30 साल एवरेज देखें तो 30 साल पीछे हैं, लेकिन चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। मुझे अभी पता चला है कि पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप 800 यूनिवर्सिटीज में शामिल है, फैकल्टी रिसर्च और QS रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग पर बड़ा काम हो रहा है। तो मैं इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी की जितनी इंतज़ामिया यहाँ हैं उसे भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश, आज बड़ा मैं खुश नसीब हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से मुलाकात हुई है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को लीड करते हैं। ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब यहाँ बैठे हैं, मुल्तान से वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ लाए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर मेरे उस्ताद अज़हर इकराम साहब, चौधरी नज़ीर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मलिक साहब यहाँ बैठे हैं। मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा कि वो मुल्क अमीर नहीं है जिसके पास सोना है, या वो मुल्क अमीर नहीं है जिसके पास ऑयल है। मुल्क वो अमीर है जिसकी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो नॉलेज प्रोड्यूस कर रही हैं। हार्वर्ड, MIT जैसी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियाँ इसी वजह से बेस्ट आ गए। हम अपनी नाकामी के ज़िम्मेदार कभी सियासतदानों को ठहराते हैं, कभी लोगों को ठहराते हैं, कभी सोसाइटीज़ को ठहराते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी की लीडरशिप, सिर्फ लीडरशिप, अपना रोल पूरा अदा करना शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है हमें किसी की तरफ, हमें किसी पॉलिटिशियन, किसी मिनिस्टर, किसी ब्यूरोक्रेसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी अपना रोल अदा करना शुरू हो जाए, आज तक यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ये समझा जाता था कि ये डिग्री देने वाले इदारे हैं और यहाँ से भीख मंगे पैदा हो रहे हैं। और जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी है उसी तरह सुपीरियर यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी 2 साल पहले उसी तरह थी कि जहाँ जॉब सीकर पैदा हो रहे थे, जॉब क्रिएटर पैदा नहीं हो रहे थे। और मुझे याद है 2 साल पहले जब मैंने अपने डीन को कहा, भाई तुम्हारे KPIs क्या हैं, मुझे ये बताएं कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, मुझे ये बताएं कि रिसर्च क्या प्रोड्यूस की है, मुझे ये बताएं कि इम्पैक्ट फैक्टर में हम कहाँ खड़े हैं, तो परेशान हो गया, सर हमारा काम तो पढ़ाना है। मैंने कहा पढ़ाना है, लेकिन जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है। टीचर क्लास से पढ़ा के चला गया, लेकिन क्या कोर्स लर्निंग आउटकम उसने डिलीवर किए, क्या नॉलेज और स्किल्स वो इम्पार्ट करके गया है। और एक प्रोफेसर साहब आते हैं, वो कहते हैं मैंने एक पीरियड पढ़ाना है। भाई एक पीरियड पढ़ाना है तो बाकी का जो रिसर्च लोड है वो किसने देना है? कोई है जो पूछे प्रोफेसर से कि आपकी पब्लिकेशन का क्या स्टेटस है, ये जो पब्लिकेशन है ये किस कैटेगरी की हैं, ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या क्रिएट कर रही हैं? तो मेरा ख्याल है कि अगर इस मुल्क को वाकई इकोनॉमिकली सुपीरियर बनाना है और हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी और यहाँ पर बैठे वाइस चांसलर्स और डीन हजरात सिर्फ ये तय कर लें, सिर्फ ये तय कर लें कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी को, मैं नहीं कहता किसी और की तरफ देखें,
कि अपनी यूनिवर्सिटी को नंबर वन बनाना, तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक एपसेप या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन का ताल्लुक है, उसके इकराज व मकासद भी कुछ ऐसे थे, हम इंटरनेशनली कलेबोरेट करने जाते थे, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैंने कहा यार कभी ये तो देखें कि इकरा यूनिवर्सिटी कराची में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में बड़ी प्राइवेट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ क्या हो रहा है, लम्स में क्या हो रहा है। हम इंटरनेशनली कलेबोरेट तो कर लें, लेकिन उससे पहले हमें आपस में तो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना चाहिए। कोई प्रोफेसर कहीं अच्छा बैठा है, कोई लैब कहीं अच्छी बैठी है, कोई लाहौर यूनिवर्सिटी में अच्छी चीज़ है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में यूसीपी में अच्छी चीज़ है, कोई सुपीरियर यूनिवर्सिटी में अच्छी चीज़ है, तो हमें वो फैकल्टी वो रिसोर्सेज सारे एक सतह पर लेके आने चाहिए। तो ये पहली बुनियाद थी जिसका मकसद इंटरनल कलेबोरेशन को प्रमोट करना था, नेटवर्किंग को बढ़ाना था, टीचिंग मैथडोलॉजीज को इम्प्रूव करना था, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आनी थी। और प्राइवेट सेक्टर इसमें बड़ा आज़ाद होता है, वो 30-30 साल इंतज़ार नहीं करता, वो आज सोचते हैं वो कल कर डालते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं, जहाँ पर दिजगर वाइस चांसलर भी मौजूद हैं, जहाँ पर IBF की डायरेक्टर भी मौजूद हैं, मैं आप सब की आपको फुल सपोर्ट एक्सटेंड करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर वो यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास अपने मीडिया हाउसेज हैं, 6-6 टेलीविजन इनके अपने हैं, 10-10 अखबार इनके अपने हैं। तो ये सारी एप्सप जो है वो आपको अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करती है पब्लिक सेक्टर को। देखें, अगर पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर प्रमोट करने हैं और हमने वाकई पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, तो एक दूसरे के करीब आए बगैर नहीं हो सकता। वो दिन दूर गए कि जब पब्लिक सेक्टर अलहदा परफॉर्म कर रहा होता था और प्राइवेट सेक्टर अलहदा परफॉर्म कर रहा होता था। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे नहीं खेल सकते। अच्छी फैकल्टी हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारी जो मॉडर्न टीचिंग मैथडोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सुपीरियर की एग्जांपल दी, वहाँ पर बच्चे को दाखिल करने से पहले उसे फ्रेशमैन करवाया जाता है कि पहले इसे देखें कि ये इमोशनली इंटेलिजेंट कितने हैं, इसको ये पता है कि ये BBA क्यों कर रहा है, ये डॉक्टर क्यों बन रहा है, ये इंजीनियर क्यों बन रहा है, इसको टीम वर्क का लीडरशिप का पता है। क्योंकि अगर इसे टीम वर्क या लीडरशिप नहीं आती तो आगे तो सारी जॉब्स रोबोट ने ले जानी है, मशीनों ने ले जानी है। तो पहले इसका दिमाग तो क्लियर करें कि ये क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। फिर हर साल PBL करा के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से तय किया जाता है कि हर कोर्स के लर्निंग आउटकम पूरे हुए कि नहीं हुए। फिर आखिर में 3U1M प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि 3 ईयर्स इसके यूनिवर्सिटी में होंगे, 1 साल इंडस्ट्री में गुजारेगा, ये सैटरडे संडे और फ्राइडे को आके पढ़े जो इसने पढ़ना है वर्कशॉप्स की सूरत में। फिर हर स्टूडेंट पे लाजिम है कि वो ETDP प्रोग्राम, जिसे एंटरप्रेन्योर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट बन रहा है आर्किप्रेन्योरशिप करेगा, चाहे वो फार्मासिस्ट बन रहा है वो फार्मप्रेन्योर करेगा, चाहे वो इंजीनियर बन रहा है, चाहे वो IT का प्रोफेशनल बन रहा है वो टेक्नोप्रेन्योरशिप करेगा। इस तरह की बेशुमार एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। अब हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर चाहिए, और अब हमें रिसर्च वो चाहिए जिसका इम्पैक्ट हो, जो वाकई बिजनेस वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को दूर करती हो, वरना कभी इंडस्ट्री आपको अपने करीब नहीं आने देगी। तो हम अपनी फुली सपोर्ट आपको एक्सटेंड करते हैं, और आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास मोहम्मद अली साहब जैसे लीडर हैं, आपके पास ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब जैसे रिसर्चर हैं, आपके पास बेहतरीन फैकल्टी है, आपके पास बड़ी बड़ी ग्राउंड्स हैं, आपके पास बेहतरीन लैब्स हैं। तो अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में करीब आ जाए, पहले हम एक दूसरे के साथ तो कलेबरेट कर लें, फिर बाद में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कर लेंगे। तो मैं आज अपनी फुली एप्सप के प्लेटफॉर्म से, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म से फुल सपोर्ट आपको एक्सटेंड करता हूँ, और दावा देता हूँ कि हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप से आएँ, अपने मुल्क में रिसर्च कल्चर क्रिएट करें और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँ। और दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बेगम गवर्नर साहिबा का कि उन्होंने जो वादे किए थे पाकिस्तान आने के लिए कि मैं तालीम और सेहत की सरपरस्ती करूँगी, उन्होंने की। इसके अलावा बेशुमार सोशल वर्क जारी होते हैं, कभी गरीब बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त हो रहा होता है, कभी हेल्थ के लिए मोबाइल बसेस जारी होती हैं, कभी और इस तरह के, कभी पानी के लिए साफ़ पानी के लिए इकदाम हो रहे होते हैं। ये सारे इकदाम ठीक हैं, लेकिन मैडम मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हायर एजुकेशन की सरपरस्ती आप नहीं करेंगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। अगर मुल्क को हमने आगे लेके जाना है तो हमें हायर एजुकेशन की सरपरस्ती करनी पड़ेगी। और अफसोस, ना पिछली हुकूमत, ना उससे पिछली हुकूमत, ना ये हुकूमत,
किसी की भी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। मैंने गवर्नर साहब को सेक्रेटरियों से लड़ते देखा है, और जिस HED डिपार्टमेंट में किसी वाइस चांसलर की इज्जत नहीं है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, जहाँ बैठने के लिए वाइस चांसलर को कुर्सी नहीं देती, उस मुल्क ने आगे तरक्की क्या करनी है। मैंने गवर्नर साहब को यहाँ लड़ते देखा, नोटिफिकेशन निकालते देखा कि 7-7 दिन में काम होने चाहिए, जो वो हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन मैं आखिर में होपफुल हूँ, जिस तरह आप सब लोगों ने IBA की सरपरस्ती की है, अजहर इकराम साहब की यहाँ मौजूदगी, चॉय नज़ीर साहब की मौजूदगी, या डॉक्टर एहसान मलिक साहब की मौजूदगी, वाइस चांसलर हजरात की मौजूदगी, फैकल्टी की मौजूदगी, इस बात की गवाही है कि वक्त बदल चुका है और इनकी सरपरस्ती सिर्फ चाहिए थी। बाकी काम करने मैंने रिजवान दानिश को, बाकी लोगों को, मैडम सनिया को और दूसरे तीसरे लोगों को दिन रात IBA के लोगों को भागते देखा है। काम ये लोग बहुत कर लेंगे, सिर्फ शाबाशी चाहिए। और आप इतनी गर्मी में, कोविड में जो वक्त निकाल के आए हैं, क्लैपिंग आपके लिए होनी चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही कोई तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बेगम गवर्नर का, शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर हजरात का, शुक्रगुजार हूँ अपने उस्तादों का जिन्होंने वक्त निकाला। और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर मुकद्दस रहमान को। मुझे याद है इनका थीसिस कंपटीशन हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में, और मैं वहाँ था और ये वहाँ डिबेट कर रही थी और वो कंपटीशन इन्होंने जीता था। तो मुझे पता नहीं था कि ये PhD ऑस्ट्रेलिया क्यों करने गई हैं, आज पता चला कि IBA की तकदीर बदलने गई थी, IBA की तकदीर बदलने गई थी। और इन्होंने वो काम कर दिखाया जो 30 साल तक नहीं हुआ। ये है तो फर्स्ट स्टेप, वो कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, और ये कोई स्टेप आम नहीं है, ये वो स्टेप है जहाँ मेरी बड़ी बहन, मेरी बाजी जो है सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं, जहाँ मेरे उस्तादा सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं, जहाँ बड़े बड़े वाइस चांसलर हजरात सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।